हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का 11th मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में खेला जाना था, लेकिन यह मैच बारिश की वजह से बिना टॉस हुए ही रद्द हो गया। अब दोनों टीमों को एक एक पॉइंट से ही संतोष करना पड़ा। श्रीलंका का इस एक पॉइंट के साथ तीन मैचों में एक जीत, एक हार और एक टाई के साथ 3 पॉइंट हो गए हैं, और इसी प्रकार पाकिस्तान का भी तीन मैचों में एक विन, एक लॉस और एक टाई के साथ 3 ही पॉइंट हो गए हैं। लेकिन रन रेट के हिसाब से श्रीलंका पाकिस्तान से ऊपर है और श्रीलंका पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है, और जबकि पाकिस्तान चौथे नंबर पर। हालांकि दोनों टीमों के लिहाज से यह मैच होना ज़रूरी था, क्योंकि जो भी टीम जीतती उसे पूरे 2 पॉइंट मिलते और वह पॉइंट्स टेबल में काफ़ी ऊपर आ जाती और आगे की राह उसके लिए आसान होती। कोई बात नहीं, ये तो नेचर की बात है, बारिश के आगे किसका जोर चलता है। पर अब आगे के मैचेस के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका को और अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वह सेमीफाइनल तक पहुँच सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीलंका और पाकिस्तान में से कोई टीम इस लायक है कि वह सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएगी? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। और इसी के साथ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।